तरुण बिश द्वारा निर्देशित और गिरीश तिवारी द्वारा लिखित फिल्म ब्लैक बोर्ड वर्सेज व्हाइट बोर्ड का ट्रेलर लॉन्च हुआ। देश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर रोशनी डालने वाली इस फिल्म ने सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों को दर्शाया है। जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बहुत सारी खलबली मची हुई है, और प्रॉपर अगर बात करें तो सरकारी प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं और रोज कुछ नई क्रिएशन की जा रही हैं, फिर भी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो मन में था कि एक ऐसा हम मैसेज तैयार करें जिससे हमारे साथ जितने भी हिंदुस्तान के प्राइमरी स्कूल के हमारे सहयोगी टीचर्स हैं या जो भी सहयोगी लोग हैं, उनको एक हिम्मत मिले, एक बल मिले कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हीं को लेकर के एक छोटा सा स्टोरी फिल्माया गया, और इसमें सबसे मेन जो थीम था कि अगर एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो उस मेन मैसेज हमें ये देना था कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और प्रॉपर जो व्यवस्था को लेकर के आज हर आदमी नर्वस है। आज हम आप चाहे कोई भी व्यक्ति प्राइमरी स्कूल को नहीं अपने बच्चे को भेजना चाहते, रीज़न कुछ ना कुछ है, मन में है। तो वही हमें डर निकालना था कि चाहत बहुत कुछ करा सकता है, तो यही चीज़ लेकर के हमने इस स्टोरी को क्रिएशन किया था। तो ये देखिए, ब्लैक बोर्ड जो हमारे आजकल सरकारी स्कूल हैं वहाँ आज भी जो है ब्लैक बोर्ड से तख्ती लेके स्कूल जाना, बैग लेके, झोला लेके जाना, वही सिस्टम चल रहा है आज भी कि ब्लैक बोर्ड में ही शिक्षा होती है। और जो व्हाइट बोर्ड है वो जो आजकल पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ आजकल प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है। समाज व्यवस्था को दर्शाता ये फिल्म देश की शिक्षा व्यवस्था का दर्पण भी हो सकता है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ब्लैक बोर्ड वर्सेज व्हाइट बोर्ड हिट होगी या नहीं, ये तो समय ही